नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 24 और 25 जून के आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी इसमें बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरीके करें। तो आइए दोस्तों, देखिए साथ बात करते हैं ऐसे में ग्रहों की तिथि कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर राशि में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। राशि में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा, इन दो दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे उतरेंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आप करके इन दिनों को और भी लाभकारी बना पाएंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहले जानते हैं इन दोनों की ग्रहों की स्थिति के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, 24 जून की बात करें तो दोस्तों इस दिन गुरुवार का दिन रहेगा, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रहेगी और साथ ही इस दिन ज्येष्ठा नाम का भी नक्षत्र रहेगा। दोस्तों, दिन योग की बात करें तो शुभ नाम का शुभ योग के बाद इस दिन शुक्ल नाम का भी शुभ योग बन रहे हैं और इसके साथ ही रात्रि के प्रातः काल या समय ब्रह्म नाम का भी शुभ योग रहेगा। यानी कि दोस्तों, समय जो है तीन शुभ योग के साथ बहुत ही लाभकारी होंगे। राहुकाल का समय दिन दोपहर के 2:10 से लेकर शाम के 3:50 रहेगा। चंद्रमा दिन वृश्चिक राशि को उपरांत धनु राशि में संचार कर जाएंगे। वहीं दोस्तों, अगले दिन की बात करें 25 जून की तो दोस्तों शुक्रवार के दिन होगा, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगा और इस दिन मूल नाम के नक्षत्र के उपरांत पूर्वाषाढ़ा नाम का भी नक्षत्र रहेगा। दोस्तों, दिन योग की बात करें तो इंद्र नाम का शुभ योग रहने वाले हैं। राहुकाल का समय दिन सुबह के 10:48 से लेकर दोपहर के 12:29 रहेगा। चंद्रमा दिन धनु राशि पर संचार करेंगे। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं इन दोनों की जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का यह गोचर आपकी राशि पर क्या क्या प्रभाव डालती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, यश में आर्थिक लाभ प्राप्त होने के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। आपके कार्य व्यवसाय से संबंधित अच्छी सफलता आपको प्राप्त होगी। जिस किसी कार्य को करेंगे उस कार्य में कामयाबी मिलने की संभावना अच्छी पाई जाती है। दोस्तों, इन दिनों में आप अपने व्यावसायिक गतिविधियों को बेहतर दिशा देने का प्रयास करें। वही दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी नेगेटिव की बात करें तो यदि आप भाई बंधुओं से अच्छे संबंध कायम कर रखने में कामयाब रहते हैं तो दोस्तों उनकी मदद से विषमताएं बहुत हद तक नियंत्रण में रहेंगी। जहां तक हो सके धन को बचाएं। दोस्तों, यश में आप कुछ नए लक्ष्य निर्धारित करेंगे एवं उनको जल्द से जल्द प्राप्त करने के प्रयास करेंगे। हालांकि दोस्तों, गणेश जी आपको धैर्य से आगे बढ़ने का सलाह देते हैं। दोस्तों, इन समयों में आपके जो दिन है आपके लिए विपरीत परिस्थितियां वाला कहा भी जा सकता है। दोस्तों, यश में आपको अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। कोई योजना असफल सिद्ध हो सकती है जो आपको निराशा की ओर ले जाएगी। आपको अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। सकारात्मक व्यवहार और सोच ही आपको आपकी जो परेशानियाँ हैं इससे आपको बाहर निकाल सकती है। दोस्तों, आपको अपने रिश्तों में कुछ परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों, यश में अपने ईगो को अपने रिश्तों से बाहर निकाल दें तो आपके लिए बेहतर होगा। वहीं दोस्तों, यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो आपके करियर के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए एक अच्छा दिन होगा। आप मदद के लिए अपने गुरु से बात कर सकते हैं। दोस्तों, इन दिनों में आवश्यक है कि किसी तरह का कोई विवाद उत्पन्न न हो, अन्यथा आपको परेशानी ज़्यादा हो सकती है। कामकाज भी यश इससे प्रभावित होगा। वह दोस्तों, इन दिनों अगर आपकी लव लाइफ की बात करें तो आप काफ़ी बैलेंस करके चल सकते हैं, जिसमें प्रेमी को भी पूरा समय देकर उनकी सभी शिकायतों को दूर कर सकेंगे। दूसरी ओर आप अपने मित्रों व परिवारजनों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का भी यश में पूरा प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों, इन दिनों में अपने पार्टनर की जो प्राइवेसी है उनका आप ध्यान रखें। निजी जीवन में दखलंदाजी बिल्कुल ना करें, आपके रिश्ते को ये प्रभावित कर सकती है। वही दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में दांत या फिर दाढ़ी जो है उसमें आपको कुछ दर्द हो सकता है। दोस्तों, यश में जो जातक वृद्ध हैं उनको घुटनों में कुछ तकलीफ भी यश में रहेगी। वही दोस्तों, यश में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा आसमानी और भाग्यशाली अंक रहेगा 6। वही दोस्तों, यह जो समय है शिक्षक
और मार्गदर्शकों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बड़ी कंपनियों में कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए भी यह समय प्रतिकारक दिन हो सकते हैं दोस्तों, ऐसा गणेश जी कहते हैं। वह दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी वित्तीय स्थिति यानी धन को लेकर बात करें तो आप अपने काम में रचनात्मक हो जाएंगे यश में, ऐसा गणेश जी का भविष्यवाणी है। आपके विचारों में बिजनेस में सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा दोस्तों। इन दिनों में टीम के साथियों में रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए आपको इनोवेशन पर अधिक ध्यान देना होगा। आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से निश्चित रूप से जो है प्रशंसा प्राप्त हो सकती है। वही दोस्तों यश में आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो यह दिन अंकित करता है कि आप पेशों की मदद से अपने जीवन शैली को बनाए रख सकेंगे, इसमें कोई भी समझौता नहीं करेंगे। ठीक इसी समय आप अधिक पैसे कमाने के लिए भी उगत सकते हैं। वही दोस्तों अगर आप गुस्सा करेंगे तो आपकी सारी ऊर्जा यूं ही बेकार हो सकती है। इसके बजाय आपको इन दिनों में अपने समय और ऊर्जा का सही प्रयोग करना चाहिए, अपने कार्यों में उपयोग इन्हें करना चाहिए। आपका स्वास्थ्य यश में बहुत ही अच्छा रहेगा। यदि आप थकान नहीं चाहते हैं तो चीज़ों को लेकर सकारात्मक रहें। वही दोस्तों इन दिनों में लंबे समय से महसूस हो रही थकान और तनाव दूर होंगे, उनमें आपको आराम मिलेगा दोस्तों। इन परेशानियों से अस्थायी निजात पाने के लिए आप अपने जीवन शैली में बदलाव लाने की कोशिश करें और दोस्तों यह बदलाव लाने का सही समय भी होगा दोस्तों। यश में जीवन शैली से पैसे से जुड़े किसी भी मुद्दे को लेकर बहस करने की आशंका भी बन सकती है। यश में आप किसी पैसे से संबंधित कोई भी जो कार्य है उनमें बहस कर सकते हैं, इससे आप थोड़ा सावधानी बरतें दोस्तों। अपने वाणी पर जो है संयम रखें और कोई भी बात को यश में आप सोच समझ कर ही बोलें। वही दोस्तों यश में फिजूल खर्ची पर आपकी साथी जो है आपको लेक्चर दे सकता है। नाती पोतों से यश में काफ़ी खुशी मिल सकती है। जो लोग अब तक सिंगल हैं उनकी मुलाकात यश में कुछ खास होने की संभावना बन रही है। लेकिन दोस्तों बात को आगे बढ़ाने से पहले यह बात ज़रूर जान लें कि कहीं वो किसी अन्य व्यक्ति के साथ तो रिश्ते में न हो दोस्तों। यश में कोई रोचक उपन्यास या फिर मैगजीन को पढ़ के आप समयों को व्यतीत कर पाएंगे दोस्तों। यश में शादी से ठीक पहले के खूबसूरत दिनों की याद भी ताज़ा हो सकती है। वहीं दोस्तों छेड़छाड़ आगे पीछे घूमना और इजहार गर्माहट पैदा करेंगे दोस्तों। यश में अपना पसंदीदा संगीत सुनना आपको एक चाय के प्याले से अधिक ताजगी का अनुभव दे सकता है। वहीं दोस्तों यश में आप कांसे के एक गोल टुकड़े को हरे कपड़े में लपेट कर जेब में रखने से आपकी आर्थिक स्थिति जो है यश में सुधरेगी दोस्तों। यश में आपको कौन से महत्वपूर्ण उपायों को करना चाहिए दोस्तों, आपको बता दें यदि आप जो है प्रीत दोष से पीड़ित हैं तो दोस्तों आप प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और साथ ही माँ काली की नियमित उपासना भी आप करें, इनसे दोस्तों प्रीत दोष में लाभ मिलता है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि आप चाहें किसी भी धर्म को मानते हो, जो है घर में भोजन बनने पर सर्वप्रथम जो है पितरों के नाम ही खाने की थाली मिलाकर गाय को खिलाने से उस घर में जो है पितरों का सदैव आशीर्वाद रहता है दोस्तों। आपको बता दें कि घर के मुखिया को भी चाहिए कि वह भी अपने थाली में जो है पहला ग्रास पितरों को नमन करते हुए कौओं को खिलाएं या फिर जो है अलग निकाल कर उसे खिला दें। जी हाँ दोस्तों, इन उपायों को आप जो है प्रारंभ करें, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे और साथ ही दोस्तों इनसे आपके जो पितृदोष है इनसे आपको निवारण होंगे और इनसे आप पितृदोष से निवारण हो सकते हैं। तो दोस्तों इन उपायों को इसमें करिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली रहेंगे। और साथ ही दोस्तों और ऐसी अधिक जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। धन्यवाद।